चुनाव आयोग की उस सिफारिश पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी है, जिसमें उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फंसे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी हैं। गोपाल जी, आप लोग कल बात कर रहे थे कि हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे, कुछ सबूत है हमारे पास इस मामले में, वो उनको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति ने उस सिफारिश को मंजूरी दे दी अपनी। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिना सुनवाई किए राजनीतिक दबाव में 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का निर्णय लेकर के राष्ट्रपति को रेफर किया था। कल हमने तय किया था कि हम राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर के गुहार लगाएंगे कि हमें एक बार पूरे तथ्य रखने का मौका दिया जाए। उनके कार्यालय से ये सूचना दी गई थी कि राष्ट्रपति महोदय अभी बाहर हैं, इसलिए अभी टाइम नहीं मिल सकता है, लेकिन अभी सूचना मिल रही है मीडिया के माध्यम से कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र के अध्याय में एक काला दिन है। लोकतंत्र के लिए एक खतरा पूरे देश के सामने इस तरह से मंडरा रहा है, लेकिन अभी सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी सोमवार को देश की अदालत के सामने जाएगी, हाई कोर्ट से लेकर के जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक हम दरवाजा खटखटाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। क्या अभी भी राष्ट्रपति के पास जाएंगे, उन सबूतों को लेकर उन्हें दिखाएंगे ताकि वो अपने विचार फैसले पर दोबारा विचार कर सके? हमने तो उनसे अर्जी लगाई है, अगर समय देते हैं तो निश्चित रूप से हम मिलेंगे। और दूसरा, ये बात लगातार कही जा रही है कि आप लोगों को सुनवाई का मौका दिया गया था, आखिर क्या सबूत आपके पास ऐसे है जो आप राष्ट्रपति को दिखाना चाह रहे हैं? नहीं तो हमने कल भी आपको एक हमने चुनाव आयोग का लेटर हमने कल जारी किया था। चुनाव आयोग ने जो आखिरी हियरिंग की थी 23 जून को, 23 जून में वो उन्होंने ये बात लिखित में हमें दी थी कि आप लोगों की हियरिंग की जाएगी, तारीख हम तय करके आपको सूचित करेंगे। हियरिंग के लिए आज तक तारीख तय नहीं किया, ये तो लिखित में दस्तावेज है, ये कोई कही कहाई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये कुल मिलाकर के दिल्ली सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उन कामों को रोकने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि विधायकों ने कोई लाभ नहीं लिया। दुनिया पूरे देश के अंदर विधायक जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लाभ रह रहे हैं वो सारे बचे हुए हैं, उनकी सदस्यता किसी की नहीं गई। तो ये एक राजनीतिक मंशा से दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश है, लेकिन हमें न्यायालय पर भरोसा है और हम न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ तो आप रुक कर चुके हैं। जो भी जहां भी दरवाजे हैं, जहां भी जरूरत है, हम हर जगह जाएंगे। एक आखिरी सवाल, अब बहुत ज्यादा संभावना बन गई है कि इन 22 सीटों पर बाई इलेक्शन हो, उसके लिए कितने तैयार हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को 5 साल चुनाव नहीं थोपना चाहती, लेकिन हम काम करना चाहते हैं। लेकिन बवाना में हमारे ऊपर चुनाव थोपा गया, हमने मुकाबला किया। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों पर जबरदस्ती चुनाव का बोझ डालती है और चुनाव थोपती है तो आम आदमी पार्टी उसका भी मुकाबला करेगी जनता के साथ मिलकर। तो बिल्कुल, मेरे साथ ये थे गोपाल राय, जो साफ साफ कह रहे हैं कि जो ये फैसला हुआ है ये उनकी सरकार को परेशान करने की कोशिश है, और अगर चुनाव में उतरना पड़े तो उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन विद्याधर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।